गर्म हो गए ना यार, पूरे कच्चे हो गए, मैं क्या करूं। नहीं वो ग्लोव्स खराब थे, छोटे बच्चों के जो ग्लोव्स थे ना वो बहुत खराब थे। सब कुछ खराब है, मैं तो कब से उतार रहा हूँ। अच्छे नहीं यार, गर्मी मिलने के लायक तो थे, पर अब खेलते वक्त हो गए गए। चलो लेकिन बहुत मजा आया, मुश्किल हो रही थी, वो दम आ रहा था। तीनों बच्चे अपने नीचे से लगता है ऊपर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और हम जा रहे हैं गोंडोला फेस टू की तरफ। ये जम्मू एंड कश्मीर का जॉइंट वेंचर है जो कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट। नहीं लग रही, नहीं लग रही, मैं तो एकदम नॉर्मल हो गया हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, हम हैं बादलों के बीच में, ऑल्टीट्यूड है लगभग 14,000 फीट। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जून जुलाई में अगर आप कश्मीर घूमने आते हो तो आपको साइट सीइंग के लिए स्वेटर्स की ज़रूरत ऐसे ख़ास नहीं पड़ती है, उतनी ठंडक आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैकेट, स्वेटर्स, मफलर्स, जो कुछ चाहिए आप लेकर आ सकते हो। हम लोगों ने ऊटी से लिए हुए स्वेटर्स और जैकेट्स लिए थे, वो हमारे लिए काफ़ी हो गए। शूज़ हम लोगों ने नीचे से रेंट पे ले लिए और ग्लव्स मैंने ख़रीद लिए। अब यहाँ पर बच्चों की बर्दाश्त बहुत कम पड़ती है, 2 साल के नीचे वाले बच्चे अलाउड ही नहीं हैं और सीनियर सिटीजन्स फेस 3 के लिए अलाउड नहीं हैं। 12 साल के बच्चे फेस 2 तक आ सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं आपको बर्फ़ इंजॉय करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बॉडी का कम होता जाएगा आपको यहाँ से भागने का मन करेगा। यकीन माने सभी बच्चे, लगभग 10 साल तक के बच्चों को भी यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही है। लाख आप जैकेट्स पहन लो, कैप्स पहन लो, तकलीफ तो जरूर होगी। जोर की धुलाई, अरे छोड़ यार, हेडफोन वापस आ जाएगा। ये बर्फ उठते ले, वीडियो ले रहा, ले ले वीडियो ले रहा। अरे मेरा बच्चा है, किसी से लॉस करने का काम होता है मुझे। मेरा बच्चा देखो, खेलने का है। अब चलो, तो मैं आप अच्छे से खेलने के लिए निकल रहा हूँ बेटा। शिफु ऐसा नहीं, गलत। अरे गलत, भाग गई। पूरी बर्फ है, हमारे हाथ पीछे है। जोर से फोन तो फेंक सकते हैं। वाटरप्रूफ है क्या? पीछे फेंको, आजा फेंको। Come on! Up and at the door! मुंह पे नहीं। एक मिनट, क्या कितना टाइम लगेगा? ऐसा देख, इधर देख, फर्क ही नहीं पड़ता।
कम ऑन, मुंह पे नहीं मारना, मुंह पे नहीं। सर्दी होंगी बेटा, सर्दी होगी, ज्यादा मस्ती नहीं बेटे। बैठ जाओ, पूरा भीग के मैंने नीचे से। इतनी सारी बर्फ में मस्ती करने के बाद आपको यकीनन कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने का दिल करेगा, और उसका इंतज़ाम यहाँ पर है। जी हाँ, यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिज्जेटेरिया है, और यहाँ के पिज़्ज़ा की क्वालिटी और रेट बहुत ही वाजिबी है। आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि आपने गलत जगह पैसे डाले। बहुत सुकून मिलेगा पिज़्ज़ा और गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने में। बच्चों को भी बहुत राहत मिलती है यहाँ पर कुछ खाने के बाद, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो चुका होता है। खैर, हम मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत से फन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी अगली वीडियो के इंतज़ार में व्यस्त रहिए।